गेहूंखड़ी रेलवे कारखाने के पास एक कॉलोनी गणेश वाटिका में बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को प्लाट बुक कर दिए। जब लोगों को अवैध कॉलोनी की भनक लगी तो पैसे की मांग की जा रही है, जबकि कॉलोनाइजर्स ना नौकर कर रहा है। गेहूंखड़ी रेलवे कारखाने के पास गणेश वाटिका कॉलोनी में बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को प्लाट बेच दिए। जब लोगों को पता चला कि कॉलोनी अवैध है, लिहाजा लोग अब पैसे वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। शुभम चौधरी निवासी मोहनगिरी ने बताया कि अनेक लोगों से राशि जमा कराई है, लेकिन कॉलोनी में कुछ भी सुविधा नहीं है, लिहाजा उनका भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है, उनकी गाड़ी कमाई भी जाम हो रही है। शुभम चौधरी ने कहा कि सभी लोगों के पैसे वापस दिए जाएं, अन्यथा पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गणेश वाटिका कॉलोनी के संचालक संदीप चौकसी आदि का कहना था कि जिन लोगों ने पैसे लिए उनके पैसे वापस देने तैयार हैं। कैसे गलती है, कह रहा पूछा।